गांधी विचार पद यात्रा का समापन हो गया है और मंत्री चौबे यहां पर संबोधित कर रहे हैं जनता। नरवा गरवा गुरुआ बारी ओए छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी मुख्यमंत्री की स्वावलंबन के रास्ता है, कुटीर उद्योग के रास्ता है, ग्राम स्वराज के रास्ता है। ये सारा निर्णय गांधी के रास्ता में चले के निर्णय और सौभाग्य से भाई मोहन मरकाम के नेतृत्व में वो निर्देश जारी करे है। आदरणीय गिरीश भाई सब ब्लॉक अध्यक्ष ने चिट्ठी लिख दी है। आज प्रदेश स्तरीय पद यात्रा के समापन होते, कल से हर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में 7 दिन के पद यात्रा करना है। सब कांग्रेस के साथी मल्ल कहना चाहता, ये पद यात्रा हमारा अस्मिता के यात्रा है, गांधी के पहचान के रास्ता है, बापू के आदर्श में चले के रास्ता है और हर कांग्रेस के जन ये यात्रा में शामिल हो रही। और जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते, जैसे हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी चाहते, ये छत्तीसगढ़ से ये मसाल जल गए गांधी के रास्ता और गांधी के आदर्श के सारा हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ के अनुसरण करे जाए। शेखर स्थिति हम सब ला भाग लेना है। और अंत में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सब साथी में बहुत बधाई, आदरणीय मोहन मरकाम जी ला बहुत बधाई, सब पदयात्री मल्ला बधाई और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार करत हुए। कांवर के सत्ता में रहत हुए, जब सत्ता में नहीं रहे तो संघर्ष समाज पद यात्रा करे रहे, लेकिन सत्ता में रहत हुए मुख्यमंत्री के पद में रहत हुए ऐसा शंखनाद और पद यात्रा करवाए तो हृदय से ओकरो प्रति बधाई और आभार करत हुए अपन बात समाप्त करत हो। धन्यवाद, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। गांधी विचार पदयात्रा के समापन समारोह में अगले उद्बोधन के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं छत्तीसगढ़ के प्रभारी माननीय डॉक्टर चंदन यादव जी को आमंत्रित करता हूं। महात्मा गांधी अमर रहे। महात्मा गांधी के 150वीं जयंती के शुभ अवसर पर छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरा विश्व इसको मना रहा है। आज इस पद यात्रा के समापन पर हमारे बीच छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के मुखिया आदरणीय श्री मोहन मरकाम जी, छत्तीसगढ़ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी, छत्तीसगढ़ सरकार में हमारे मंत्री आदरणीय ताम्रध्वज साहू साहब, हमारे आदरणीय रविंद्र चौबे जी, छत्तीसगढ़ सरकार में हमारे मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम जी, हमारे विधायकगण, वरिष्ठ नेतागण, वरिष्ठ पदाधिकारीगण, जिला कांग्रेस के अध्यक्षगण, युवा कांग्रेस, एनएसवाई सेवा दल, महिला कांग्रेस इंटर के सभी पदाधिकारीगण और आज यहां पर समापन समारोह में आए हमारे तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्तागण, यहां पे बैठे हमारे माता बन, बहिनी मन, श्यान मन, बच्चे और यहां पर मीडिया कर्मी, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस परिवार को मैं बधाई देता हूं इसलिए कि पूरा AICC के निर्देश पर पूरे हिंदुस्तान में 150वीं जयंती मनाई जा रही है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सिर्फ देश में नहीं पूरा विश्व मना रहा है। साथियों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पूरा विश्व में अगर हिंदुस्तान का डंका बजता है, पूरा विश्व अगर हिंदुस्तान को जानता है तो दो कारणों से जानता है। एक तो यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और दूसरा हमारे महात्मा गांधी बापू की वजह से हिंदुस्तान को पूरे विश्व में लोग जानते हैं। इसलिए और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस देश के प्रतीक है, हमारे हिंदुस्तान के मान आन बान शान सम्मान, इतिहास, संघर्ष, परंपरा, संस्कृति, ये
ये सबके प्रतीक है महात्मा गांधी। आज उनकी ये 150वीं जयंती के शुभ अवसर पर हमारे लिए ये उत्सव का भी दिन है और अपने चुनौतियों को जानने का भी दिन है। उत्सव इस मामले में कि हमें गर्व है, कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं को ये गर्व है कि हम उस पार्टी के सदस्य हैं जिस पार्टी में महात्मा गांधी थे, जिस पार्टी में महात्मा गांधी ने अपने संघर्षों से, अपने विचारों से, अपने आंदोलनों से न सिर्फ देश को, न सिर्फ कांग्रेस पार्टी को, बल्कि पूरे विश्व को लोकतांत्रिक प्रणाली में बहुत बड़ा उनका योगदान दिया। इसलिए पूरे विश्व में बहुत ऐसे महान नेता बने, मार्टिन लूथर किंग से लेकर के नेल्सन मंडेला से लेकर के यूरोप में, अफ्रीका में, अमेरिका में, सभी जगह गांधी के विचारों से, गांधी के उनके आंदोलनकारी नीति से प्रभावित होकर के बहुत देशों ने आजादी प्राप्त की, बहुत नेताओं ने उनसे प्रेरणा ली और हिंदुस्तान में भी हम तो मानता है। क्या कारण है ये भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के लोग इसी जमीन से, मिट्टी से उपजे, यहाँ की परंपरा, संस्कृति, इतिहास से उपजे विचारधारा, जिसको गांधी जी ने हिंदुस्तान को ही नहीं पूरे विश्व को रास्ता दिखाया, जो भारतीय जनता पार्टी को परेशानी है उससे, इनसे क्यों आरएसएस को परेशानी है ये जानना हमें जरूरी है। इसलिए कि जो आरएसएस की विचारधारा है और जो महात्मा गांधी की विचारधारा है, दोनों एक परस्पर विरोधी विचारधारा है और उसी से आज चुनौती है कांग्रेस पार्टी को लड़ने का। और पूरे विश्व में, हिंदुस्तान में जिस तरह से दक्षिण पंथीवादी लोग समाज को, देश को उदारवादी विचारों को कमजोर कर रही है, उससे लड़ना है कांग्रेस के सिपाहियों। आज हमें प्रतिवाद करना है, हमें शपथ लेना है कि हम गांधी जी के विचारों को, अरे कौन सी विचारधारा है गांधी जी की, शांति की, भाईचारा की, अहिंसा की, समाज में कमजोर वर्गों को आगे बढ़ाने की, सबको विकास की कड़ी में जोड़ने की, समाज में जितनी भी कुरूतियां है उसके खिलाफ लड़ने की, ये विचार को लेकर के हमको आगे बढ़ना है। और इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी को भी हम एक बात कह देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, संघ परिवार के लोग, आपके लिए, क्योंकि आप कमजोर हैं, आपके विचारधारा संकुचित है, तो आप गांधी जी के विचारों पर कैसे चलिएगा। इसलिए आपके लिए तो गांधी जी मजबूरी का नाम हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस और देश और विदेशों में गांधी जी का नाम, मजबूती का नाम महात्मा गांधी है, मजबूरी का नाम नहीं है। क्योंकि हम आपकी विचारधारा के खिलाफ लड़ेंगे और आपको जरूर हराएंगे, आपको जरूर मारेंगे आपके नफरत को हम मोहब्बत से मारेंगे, आपके हिंसा को हम अहिंसा से मारेंगे, आपके सांप्रदायिकता को हम भाईचारा से मारेंगे। हमारी जो मिथोलॉजी है सत्य, अहिंसा, भाईचारा, गांधी जी का यही था नारा। इस नारे को लेकर के इस देश की एकता, अखंडता, भाईचारा, सद्भावना, त्याग, परिश्रम, बलिदान की मूर्ति गांधी जी के विचारों को हम आगे लेके जाएंगे। और इसलिए साथियों, इस अवसर पर हम अपने तमाम कांग्रेस परिवार के सदस्य से साथ में यह शपथ लेते हैं कि जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस परिवार ने हमारे लिए जिस तरह से राजनीतिक एक वैचारिक संघर्ष का भी माध्यम है, उसको छत्तीसगढ़ ने जो हमें यहाँ से दिया है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी
और आरएसएस से विचारी कस्तर पर लड़ना है। इस कारवा को रायपुर से लेकर के देश के अन्य कोने में ले जाएंगे। पूरा भारत महात्मा गांधी के विचारों के साथ खड़ा होगा और हम आरएसएस के विचारों को इस देश से खत्म करेंगे और महात्मा गांधी के सपनों को सपनों का भारत बनाएंगे। आप लोगों को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद इस सफल पद यात्रा को, जिसको आगे आने वाले दिनों में आप ब्लॉक स्तर तक ले जाएंगे। इसके लिए आगे और ये कारवां बढ़ता जाएगा, हमारी बापू की विचारधारा गांव गांव कण कण लोगों तक पहुंचेगा, इससे मुझे उम्मीद है। इसलिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। एक नारे के साथ जोर से बोलिएगा, अरे बापू तेरे सपनों का देश हम बनाएंगे, अरे बापू तेरे सपनों का देश हम बनाएंगे, अरे बापू हम शर्मिंदा है। जोर से बोलिएगा, बापू हम शर्मिंदा है। धन्यवाद, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक लगातार पद यात्रा में अनवरत चलने वाले छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुखिया आदरणीय मोहन मरकाम जी को अगले उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत माता की, क्या बात है, सब लोग थक गए लग रहा है, आवाज में भी दम नहीं है। भारत माता की, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। महात्मा गांधी जी के 150वें जन्म जयंती के शुभ अवसर पर पुण्य भूमि कंडे से निकलकर आज जो 7 दिन का जो पदयात्रा था, आज समापन कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य के गौरव, छत्तीसगढ़ राज्य के यशस्वी लोकप्रिय किसान माटी पुत्र हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, हमारे बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और छत्तीसगढ़ राज्य के प्रभारी सचिव आदरणीय डॉक्टर चंदन यादव जी, हमारे छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रेम साय सिंह जी, आदरणीय गुरु रुद्र कुमार सिंह जी, आदरणीय राज्यसभा सांसद आदरणीय छाया वर्मा जी, आदरणीय वरिष्ठ विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय धनेन्द्र साहू जी, अरुण वोरा जी, विकास उपाध्याय जी, विनोद चंद्राकर जी, आदरणीय कुलदीप जुनेजा जी, शकुंतला साहू जी, अनिता योगेंद्र शर्मा जी, हमारे रायपुर नगर के प्रथम नागरिक यहाँ के महापौर आदरणीय प्रमोद दुबे जी, शारदा वर्मा जी, आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी, राजेंद्र तिवारी जी, अरुण ताम्रकर जी, सेवा दल के संगठक आदरणीय करुणा शुक्ला जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री गिरीश देवांगन जी, विनोद वर्मा जी, सुभाष शर्मा जी, कोको पाड़ी जी, कन्हैया अग्रवाल जी, पप्पू बंजारे जी, आकाश शर्मा जी, आदरणीय गुरु जी महंत सुंदर दास जी, पंकज शर्मा जी, धर्मेंद्र यादव जी, कैलाश ओयाम जी, आदरणीय पंकज महावार, यशवंत साहू, और मैं खासकर जो हमारे लगातार जो 7 दिनों तक पद यात्रा किए, मैं उन साथियों का विशेषकर मैं नाम लेना चाहता हूं, हमारे महासमुंद के ऊर्जावान लोकप्रिय विधायक आदरणीय विनोद सेवन चंद्राकर जी, हमारे धमतरी जिला के सम्मानित जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जो कभी पदयात्रा नहीं गए थे उनके पैरों में छाले आदरणीय मोहन लालवानी जी, आदरणीय लगातार जितने भी पदयात्रा हुए माननीय भूपेश बघेल साहब के नेतृत्व में
हर पद यात्रा में हमारे साथ चले हैं, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी, निशु चंद्राकर जी, कोंडा गांव के लगातार तीन बार के नगर पालिका के अध्यक्ष आदरणीय भाई कैलाश भोयाम जी, आदरणीय विनोद वर्मा जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार, वे भी लगातार हमारे साथ कदम तार लेके हमें चला है, पंकज शर्मा जी, एआईसीसी के मेंबर अरुण ताम्रकर जी, यशवंत साहू जी, विनोद कोसरिया जी, राजा देवांगन जी, पंकज महावर जी, निखिलेश देव दीवान जी, राजेश चंद्रकांत जी, विक्रांत पावर जी, युवराज शर्मा जी, यशवंत गुरु जी, दो तीन नाम है, आशीष बगानी जी, जान सिंह यादव, गौरी शंकर पांडे, जगदेव राम सिन्हा, नितिन पोटाई, मोहम्मद आदिल, प्रदीप लोढ़ा, राजू दुबे और जो अन्य हमारे साथी भी चले हैं, मैं उन सबको दिल से कांग्रेस कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संदेश दिया था और जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जो संदेश दिया था पूरे देश के कोने कोने में, गांधी जी के सपनों, गांधी जी के विचारधारा, गांधी जी के आइडियोलॉजी को जन जन तक पहुंचाने का जो निर्णय लिया था, हम 7 दिनों के पद यात्रा में पूरे गांव गांव तक पहुंचाने का प्रयास किए। साथियों, भाइयों, बहनों, सभी संगठनों के साथ साथ मीडिया के साथियों, आज देश में दो तरह के विचारधाराएं चल रही है, एक विचारधारा जोड़ने की विचारधारा, दूसरा विचारधारा तोड़ने की विचारधारा। जोड़ने की विचारधारा जो गांधी जी ने हम सबको बताया था, जोड़ने की विचारधारा जो तोड़ने की विचारधारा जो केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जो हिंदू को, मुस्लिम को, सिख को, ईसाई को जो बांटने का है, जो धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर बांटने की विचारधारा है, आज देश के लोगों को से निवेदन करना चाहता हूँ, आज जो खत्म राष्ट्रवाद है, जो उत्तेजक राष्ट्रवाद है, जो हिटलर, मुसोलिनी और जैसे जो अन्य जो लोग हैं, सावरकर से लेकर जो गोडसे की विचारधारा मानने वाले लोग हैं, जो देश को बांटने का काम कर रहे हैं, मगर हमारी सरकार कांग्रेस संगठन ने निर्णय लिया है, हम देश के, इस देश के हर लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। बाबूजी का जो सपना था, नर और नारी एक समान, जाति वंश सब एक समान, जो बाबूजी का संदेश हमारे महान जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनका संदेश था, मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, जो संदेश था बापूजी का संदेश, वो संदेश को लेकर माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस पार्टी संगठन लगातार चल रही है। साथियों, आज हम देखते हैं गांधी जी की जो विचारधारा है, गांधी जी का दर्शन है, जो सत्य, स्वयं और करुणा है, उसको आज हम जन जन तक पहुंचाते हैं। आज भी, आज आजादी के 70 वर्षों बाद भी गांधी जी के जो विचार के प्रासंगिकता है, आज जन जन तक पहुंचा है। हमने देखा है 7 दिनों के पद यात्रा में लगातार गांवों में जो उत्साह हमको देखने मिला है, हर गांव में 4 से 5 हजार लोगों की भीड़ और रास्ते भर लोगों का जो हुजूम रहता था, हमें लगता है आज आजादी के 70 वर्षों बाद भी गांधी जी का दर्शन, गांधी जी का विचार हम गांव में देखने को मिलते हैं। आजादी के इतने वर्षों बाद भी आज जो बात है, गांधी जी कहते थे, महात्मा गांधी जी का मानना था, भारत की आत्मा गांव में बसती है। आज छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी गांधी जी के विचारधारा को आगे बढ़ा के, जो गांधी जी के दर्शन को आगे बढ़ा के, गांव के विकास के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर विशेष जोर दे रहे। आज छत्तीसगढ़ के 1,00,000 करोड़ बजट में 38,000 करोड़ बजट छत्तीसगढ़ के अन्नदाता, छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए खर्च करने का निर्णय लिया है। आज देश की कांग्रेस की सरकार पहली सरकार है जो 2500 रुपए धान का समर्थन मूल्य देती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे,
हम किसानों को 2100 रुपया धान का समर्थन मूल्य देंगे, 300 रुपया बोनस देंगे, मगर 5 साल निकल गया, इन्होंने नहीं दिया। 2003 में डॉक्टर रमन सिंह कहते थे किसानों, भारतीय जनता पार्टी का कहना साफ, हर किसान का कर्जा माफ, मगर 15 साल इन्होंने सरकार में रहा, किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। मगर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री को, 2 घंटे के अंदर 20 लाख किसानों का लगभग 12 हजार करोड़ रुपया किसानों का कर्जा माफ किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो छत्तीसगढ़ के स्वप्न दृष्टा श्रद्धेय चंदूलाल चंद्राकर जी, श्रद्धेय डॉक्टर खूबचंद बघेल जी, श्रद्धेय छेदीलाल जी और अन्य जो छत्तीसगढ़ राज्य के आंदोलन में जिनका भी भूमिका रहा है, उनके सपनों के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार आगे बढ़ रही है। आज हमें लग रहा है 19 साल बाद छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के निवासियों का सरकार बनी है, जो नई परिकल्पना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। गर्वो नवा छत्तीसगढ़ एक नई परिकल्पना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज हमें लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का विकास होगा। आज छत्तीसगढ़ माता कौशल्या का जन्म स्थान, भगवान रामचंद्र जी 14 वर्ष में, 12 वर्ष लगभग छत्तीसगढ़ में जो वनवास में बिताए, आज राम पद गमन का जो विकास करने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है, और माता कौशल्या का जो मंदिर है चंदखुरी में, जो आस पास जो विकास करने का निर्णय लिया है, 15 साल सरकार में रहने के बाद भी रमन सिंह ने माता कौशल्या के मंदिर में दर्शन नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी के लोग मुंह में राम बगल में छुरी, राम नाम जपना पराया माल अपना, इनके करनी और कथनी में अंतर था। मगर आदरणीय मंत्री रविंद्र चौबे, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं नाम लेना भूल गया था, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय रविंद्र चौबे साहब का मैं नाम लेना भूल गया था, मैं क्षमा चाहते हुए आदरणीय रविंद्र चौबे साहब ने जो बातें कही, जो कांग्रेसियों के इस देश के लोगों में कर कर में राम है, भारतीय जनता पार्टी के लोग भगवान के नाम में राजनीति करते रहे हैं, मगर आज उनके पास कोई विकल्प नहीं है। हमारी सरकार लगातार जो भगवान राम के दिखाए रास्ता पर, इस छत्तीसगढ़ के पूज्य गुरुजी गुरु घासीदास के दिखाए रास्ता पर, संत कबीर के दिखाए रास्ते, तो गांधी मैदान में गांधी पर